ठीक है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, संख्याओं को संख्याओं के साथ गुणा करना है। 25 की गुणा जो हम 25 में करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 10 की पावर देखिए 3 प्लस की हैं और 6 माइनस की हैं। अगर 3 प्लस की में से 6 माइनस की जाएंगी तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 10 की पावर माइनस के 3 बचेंगी। या अगर हम 10 की पावर माइनस के यानी नीचे चले जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, प्लस में, यानी खोल के 1000 लिख सकते हैं। अगर 1000 से हम 625 को भाग करेंगे तो देखिए नीचे 3 0, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.625, 0.625। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम, क्योंकि जो आवेश होता है हमारा, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 108 है, वो आपको ऐसे करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो सभी आपको करने हैं। देखिए अब आगे जो हमें क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है वो देखिए, कूलाम के नियम व विद्युतशीलता पर। ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 10-10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के दो गोले हवा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक 10 की पावर 6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना करनी है। कूलाम बल हमें निकालना, तांबे का परमाणु बाहर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिया हुआ है, और अवोगाद्रो संख्या एन दिया हुआ, उसकी मात्रा में दी हुई है। तो देखिए आज आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जो भी हमें पहले वैल्यू दी होती है उसे हम लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जान सकते हैं कि क्या फॉर्मूला उसमें लगने वाला है या किस कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 63.5 ग्राम जो दिया हुआ है, हमें तांबा दिया हुआ है, उसमें परमाणुओं की संख्या दी हुई है, परमाणुओं की संख्या कितनी दी हुई है, 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है। इसे ही अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो दिया हुआ, अगर हम 10 ग्राम तांबे की बात करेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 10 ग्राम, देखें हम इसे 10 ग्राम की बात कर रहा है तो हम 10 ग्राम में निकालेंगे, 10 ग्राम में तांबे में परमाणुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, जो हमारी संख्या थी 6.022 × 10 की पावर 23, उसको भाग किससे करेंगे, 63.5, 63.5 से। ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर निकल कर जाएगा 9.48 × 10 की पावर 21। कैलकुलेशन आप सही बच्चे कर सकते हैं, अगर आप किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें। अब ऐसे ही दूसरे गोले पर बात कर रहा है। ठीक है। एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कितनी है, 10 की पावर 6 दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, 6। तो यहाँ लिखेंगे एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित परमाणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए एक गोले पर कितने थे, 9.48 × 10 की पावर 21। ठीक है। और स्थानांतरित कितने हो रहे हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस में ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगी, 9.48 ऐसे रहेगा, 10 की पावर 15 बचेंगी, 21 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 15। अब हम निकालते हैं प्रत्येक गोले पर आवेश, क्योंकि हमें आवेश की मात्रा भी निकालनी है, उसके बाद ही हम किसकी मात्रा निकाल पाएंगे, वैद्युत बल की निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या लिख सकते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना आवेश, क्यू इजिकल टू एन इंटू ई। ठीक है। अब क्यू की वैल्यू देखिए हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, क्यू हमें निकालना है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमने बात करी है, 9.48 × 10 की पावर 15 जो भी हमने निकाली है वो हमारे आवेश ही तो निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है। आप बच्चे सभी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये इसके समथिंग आएगी, 0.00152 कूलाम। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें निकालना था, वैद्युत बल, क्या होता है वैद्युत बल, कूलाम के नियम से हम जानते हैं, कूलाम का नियम देखे लगाएंगे, एफ इजिकल टू 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 / R2। अब देखिए 9 × 10 की पावर 9 तो ऐसी है, Q1 Q2 देखिए हमारे पास सिर्फ Q की वैल्यू है, तो Q1 Q2 Q1 के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q। क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 0.00152। ठीक है।
इसका हम यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि क्यू वन क्यू टू का स्क्वायर कर लेंगे। और आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10। कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आर जो दी हुई थी हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है। लेकिन हमें जो दूरी लेनी होती है वो लेनी होती है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी बच्चों को ये सॉल्व करना है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट करेगा, ठीक है। ये आपका लगभग जो आंसर आएगा 2.07936 × 10 की पावर 6 न्यूटन आएगा। सही बच्चे से सॉल्व करेंगे और मुझे अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो इससे आगे के क्वेश्चन कुलाम के नियम के ऊपर है, उन्हें सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आई तो सब बच्चे मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें।